नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वसई विरार की 10 बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में। वसई विरार सन महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना के 67 नए मामले, कुल मामलों की संख्या 26,639। वसई विरार सन महानगर पालिका क्षेत्र में आज दो की गई जान, कुल मौतों का आंकड़ा 688। वसई विरार सन महानगर पालिका क्षेत्र में आज 92 लोग हुए डिस्चार्ज, कुल डिस्चार्ज की संख्या 25,030। वसई विरार सन महानगर पालिका क्षेत्र में सक्रिय मरीजों की संख्या 921, जिनका अभी भी अस्पताल में चल रहा है इलाज। बिक्रोली में 55 वर्षीय व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने व्यक्ति पर लाठी डंडे से हमला किया। इस वारदात से इलाके में दहशत है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाले नामी कंपनियों के नाम पर डुप्लीकेट मास्क बनाने वाले कारखानों का पर्दाफाश किया है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे भले ही हिंदी बोलने से परहेज करते हो, लेकिन वे हिंदी फिल्में जरूर देखते हैं। उन्होंने ये खुलासा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से हुई मुलाकात के दौरान की। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद सरकारी पदों की नियुक्ति पर ब्रेक लग गया है। अब नई नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार के अंदर से आवाजें उठने लगी हैं। मुंबई पुलिस की CIU ने IPL क्रिकेट मैच सट्टेबाजी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुलुंड के एक अपार्टमेंट में छापेमारी कर क्रिकेट पर सट्टा लगाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी दुबई में चल रहे IPL 2020 क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगा रहे थे। सभी के लिए मुंबई लोकल के दरवाजे खोले जाने पर संभावित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कलर कोडिंग वाले टिकट का उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि टाइम स्टेगरिंग के अनुसार सभी के लिए लोकल ट्रेन शुरू किए जाने की सिफारिश राज्य सरकार ने रेलवे से की है।